याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है। सुबह सुबह जनाब उनके डायरेक्ट पोएट्री से शुरू होता था। रात भर जो सो ना सकी आपकी याद में फिजा, वही उदास आंखें सुबह का सलाम कहती है। पहले 10 दिन तो थे बिल्कुल भी मैसेज सीन नहीं ना हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीन होना शुरू हुए। एक बंदा जो डेली से लगातार इतने मैसेजेस कर रहा है, कोई तो बात उसमें है। इस वक्त मेरे साथ फिजा और साहिल मौजूद हैं। फिजा का ताल्लुक बहरीन से था, बहरीन में तालीम हासिल कर रही थी और अच्छा खासा कमा भी रही थी मेरे ख्याल से। और ये जो भाई हमारे शहजादे हैं पाकिस्तानी, आपको पता पाकिस्तानियों का काम क्या होता है, फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, इंस्टा पर ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए जिसकी वजह से कोई करोड़पति अरबपति असामी हमारे हाथ लग जाए। इसी तरह इन्हीं के साथ इनकी किस्मत अच्छी थी कि करोड़पति अरबपति लड़की इनके हाथ लग गई है। हाथ लगी कैसे, इंप्रेस कैसे किया कि बहरीन से सारा कुछ छोड़ कर इनकी खातिर पाकिस्तान आ गई है? क्या ऐसी चीज पसंद आ गई, कैसे लड्डू काट लिए इन्होंने आपको? बस ये इन्होंने फेसबुक पे मुझे मैसेजेस किए थे तो मैं डेली देखती नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा ही तादाद में इनके मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मैं गौर नहीं थी करती ना कि एक ही, फिर एक दिन मैंने देखा कि एक ही बंदा मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस कर ही जा रहे थे। हाँ जी, फिर एक दिन मैंने देखा इनको रिप्लाई किया तो वहाँ से बातचीत बस आगे बढ़ी। जी, रिप्लाई किया क्यों मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं, डेली क्या मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा है इसमें? तकरीबन एक से डेढ़ माह तक ये करते हुए एक डेढ़ माह मैसेजेस करता रहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं तोड़ी मैंने। और ये इस तरह मतलब कि सीन कर लेती थी मैसेज और मुझे जवाब नहीं देती थी, और मैं भी जनाब एक घंटे में 150-200 मैसेज कर ही जाता था। सुबह उठते मैसेज स्टार्ट, मेरी भी जिद थी कि ये करेगी रिप्लाई, ज़रूर करेगी। नहीं थी होते फिर भी आपने हौसला नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा बिल्कुल ही। ऐसे पहले 10 दिन तो थे बिल्कुल भी मैसेज सीन नहीं ना हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीन होना शुरू हुए। फिर ये ऐसा करती थी टाइपिंग, आपको पता मैसेंजर पे शो हो रही थी, टाइपिंग करती थी फिर नहीं कोई आता था मैसेज, मैसेज नहीं आता मतलब कि मैं आएगा एट अ टाइम, मतलब कि मेरा जो है ना फेस सिर्फ मैसेंजर पे रहता था। तो काफ़ी देर फिर मैंने भी अपनी मतलब कि स्ट्राइक तोड़ी नहीं, और मैं लगा रहा कोशिश करता रहा। बस इनको जो है ना मैंने प्रोफाइल देखी इनकी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा चले बात करते हैं, बातचीत करके जो है ना बढ़ाते हैं आगे। तो जैसे जैसे फिर मैं अपना काम करता रहा लगा रहा वैसे वैसे सिला भी मिल गया, बस असल में इनको मैंने आपको बताया कि इनको हम हो रही हैं, और दूसरा जो है ना कन्विंसिंग पावर कुछ ऐसी थी कि मैंने इनको कन्विंस किया, इनको बताया कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है। आप सब कुछ जिंदगी जो है ना प्यार मोहब्बत से गुजरनी, 4 दिन की जिंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजारें, पैसा शोहरत सब कुछ यही रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। तो अगर आज की दुनिया में इंसान प्यार मोहब्बत से रह ले, खुशी मिले, खाना पीना मिले, ये चीज़ें होती हैं मेरे नज़दीक। अदा यही थी कि मुझे यानी कि लग रहा था कि ये मेरे साथ अच्छे तरीके से चलेंगे, सिंसियर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बंदा जो डेली से लगातार इतने मैसेजेस कर रहा है, कोई तो बात उसमें है, तो फिर बस यही बात मुझे अच्छी लगी, बस ऐसे रह गई थी। जाऊँगी इनके साथ क्योंकि मेरा अभी शौक है कि मैं स्टडी कर रही हूँ। नहीं वो जान कहते हैं कि आप करो, लेकिन मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। सुबह सुबह जनाब उनके डायरेक्ट पोइट्री से शुरू होता था। पोइट्री बस वो शायर ने कहा कि रात भर जो सो ना सकी आपकी याद में फिजा, वही उदास आंखें सुबह का सलाम कहती हैं। बस दिन का आगाज यहाँ से होता था, फिर दोपहर शाम रात जो है ना मैसेजेस करते करते पोइट्री, ज़्यादा पोइट्री होती थी, और साथ में जो है ना अपना कैसे भी इनके मैसेज कर रहे होते थे कि एक रिप्लाई तो करके देखे। गाना कौन सा इन्हें गा के सुनाते? नहीं आप बताएं कौन सा गाना सुनाते थे? ये आप इनसे ही पूछ लें। अच्छा आपने कुछ नहीं सुनाना? नहीं मैं गाना जनाब वो हम तो तब उस टाइम दुखी थे, तो दुखी गाने ही गाते होते थे और सुनते होते थे। तो उन दिनों में ना ये गाना पुराना है काफ़ी, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है।
तेरी याद आ रही है। पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानी आपको, वो क्या कहते हैं, लड़के देख रहे हैं आपको, देखेंगे कि यार इंप्रेस कर लिया, हम कैसे इंप्रेस कर लिया। लड़के देख रहे हैं बिल्कुल जनाब देख रहे हैं, लेकिन लड़कों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी लड़की से मोहब्बत करें तो एक ही लड़की रखें और उसी से मोहब्बत करें, उसी को अपना जीवन साथी बनाएं, क्योंकि ये जो औरतें होती हैं ना, ये बहुत ही अनमोल चीज़ है। ये आपकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, इसके बहुत से रूप हैं। तो इनकी सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी इज्जत करें, जिस तरह अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत करते हैं ना, उसी तरह इन्हीं की भी इज्जत करें आप। बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त का, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, और जो कवारे हैं अल्लाह ताला उनको भी कोई ना कोई ऐसी लड़की दे दे कि जो बाहर की अब्रॉड की और अच्छी खासी करोड़पति हो, क्योंकि ख्वाहिश तो सबकी ही है, मिलती किसी किसी को, इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।